मैं सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी आंदोलन होने जा रहा है उसके लिए समर्थन के लिए ताकत से सामने आए हुए सभी सामाजिक, दीनी और पत्रकारिता संगठन के जिम्मेदारों ने इसको समर्थन दिया है, मैं उनका भी सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ये निवेदन आपके सामने रखता हूं कि हम जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछले 6-7 साल के अरसे में इस देश के अंदर जिन घटकों के नाम पर और जिन घटकों का फ़ायदा बताकर उन घटकों को विश्वास में लिए बिना उन घटकों के विरोध के कानून जो उन घटकों को लगता है वो बना रही है, जिसको आज देश भर के आंदोलनकारी काले कानून के नाम से जानते हैं, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि 3 तलाक का कानून बनाते वक्त उसमें संवैधानिक व्यक्ति स्वतंत्र को ध्यान में नहीं रख के तलाक देने वाली महिला को ये साबित करना पड़ने वाला है कि उसने 3 तलाक दिया है। और तलाक ये पारिवारिक मामला होता है, इसके अंदर 3 साल की जेल में डालना ये प्रावधान किसी भी कोर्ट बिल में, किसी भी वैयक्तिक कानून में नहीं है। उसी तरह से हम जानते हैं कि 370 भी जिस ताकत से सरकार ने लागू किया उसके नतीजे ये है कि आज भी कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। और जो कश्मीरी जनता को विश्वास में लेके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाने में हम कामयाब हो रहे थे वो सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। मुफ्ती, यही पंजाब का सिख किसान भाई है जो शाहीन बाग की सुरक्षा के लिए आया था और तब की हुकूमतें उस आंदोलन को कुचलना चाह रही थी, लेकिन तब पंजाब के यही सिख जत्थे के जत्थे वहाँ पर आए, किसान भाई आए, और उन्होंने उस आंदोलन को सुरक्षा देने हेतु वहाँ पर उन्होंने अपने डेरे लगाए और लंगर भी लगाए। आज हम जानते हैं कि अपने देश का सबसे ज़्यादा खुशहाल किसान अगर कहीं है तो नॉर्थ में है, क्योंकि वहाँ हरित क्रांति हुई है। और आज वो ज़मीनों को टारगेट करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये 3 कानून लगाए हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए। और उसी कारण से आज हम देख रहे हैं कि नॉर्थ का किसान बड़ी ताकत से इसमें उतरा हुआ है। पंजाब हरियाणा का वही किसान उतरा है जिसने सीए के वक्त, शाहीन बाग के वक्त मुस्लिम समाज की बहनों को सुरक्षा देने का काम किया। आज 50 दिन के से ज़्यादा वक्त होने को आया है और अब तक उस आंदोलन को सरकार ने सही ढंग से डायलॉग के जरिए किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया, नहीं मान्य किया। देश का इतिहास है कि जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, ये इतिहास है कि सरकारों को जन आंदोलनों के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन ये सरकार इन जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्षता और सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का मुसलमान और भारत का मुसलमान पूरी ताकत से, पूरी दिल से और अपनी दुआओं के साथ इस मुल्क के किसानों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि लोकशाही के अंदर, जमहूरियत के अंदर सिर्फ दिल से ताहित करने से नहीं होता है, तो रास्तों पे उतरकर समर्थन देना भी ज़रूरी है, आंदोलन भी ज़रूरी है। इसीलिए मुस्लिम समाज के जितने भी वंचित के नेता कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुढ़ाकार लिया है, इनिशिएटिव लिया है, और जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितने दीनी तंजीमें हैं, जितने मुस्लिम पत्रकार हैं, उनको कहा है कि आप अपनी अपनी संगठनों के बल पर साथ में आइए। एक मंच आपको वंचित उपलब्ध करा रही है और इस मंच पे आकर आज इस देश के मुसलमान को दूसरे मजलूम, पीड़ित, शोषित किसान घटक के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क का मुसलमान ये जानता और मानता है कि इस देश में जिस तरह से मुसलमान शोषित है, पीड़ित है, जिस तरह से हमारे पिछड़े वर्ग के SC ST भाई शोषित है, पीड़ित है, उसी तरह से इस देश का किसान भी सबसे बड़े पीड़ितों में आता है। इसलिए एक पीड़ित समाज के साथ अन्य पीड़ित समाज ने खड़ा होना चाहिए, जिससे कि RSS की जो साजिशें आज तक हुई है, BJP की साजिशें हुई है कि उन्होंने समाज समाज को शोषितों को बांटकर फोड़ो और राज करो ये काम किया है। अब इसके उल्टा हम ये चाहते हैं कि जितने शोषित घटक है वो जोड़ो और सरकार को फोड़ो, ये व्यवस्था को फोड़ो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब शोषित एक हो जाएंगे
तो सरकार की व्यवस्था की जो जुल्म होते हैं उसके खिलाफ में डटकर लड़ने के लिए एक ताकत सामने आएगी। और सभी जिलों में जो जो सामाजिक संगठन है उनको साथ में लेकर हम ये कर रहे हैं। नांदेड़ में काफ़ी संगठनों के साथ में हमारी चर्चा हुई है, चालू है, और कई संगठन है जो आज यहाँ पर आपके सामने मंच के ऊपर उपलब्ध है, जिन्होंने समर्थन दिया है, जिसमें इमाम काउंसिल है, आईमाई मस्जिद के जिम्मेदार मुफ्ती अयूब साहब हैं, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप के काजी रफ़ीक साहब हैं, माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के अल्ताफ साहब हैं, पॉपुलर फ्रंट के ज़ुबैर भाई हैं, हैप्पी क्लब के हैं, अक्सा ग्रुप के हैं, सभी संगठन एमपीजे के हैं, तंजीम इंसाफ के हैं, और कोई संगठन का नाम अल खैर ग्रुप के हैं, सफ़ा बैतुल माल के हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का भी हम अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे नफरत की राजनीति को शह मिलेगी, मात मिलेगी और इंसानियत की राजनीति यहाँ से आगे आएगी। इतनी तबाह हो चुकी है कि आज महाराष्ट्र के किसान रास्ते पे उतरने के लिए सक्षम नहीं है, वो उतर नहीं पा रहा है, इतना गला हुआ है, इतना दबाव हुआ है। तो इसलिए अब नॉर्थ के किसानों को ये दिक्कत आ रहा है कि अपनी ज़मीनें जाने वाली है, तो वो बड़ी ताकत से सामने आया है, लेकिन अब कोई तो शुरुआत की है। अब हम ये चाहते हैं कि मजलूम तबके बोलकर, हम मुसलमान किसान है क्या नहीं है ये सवाल नहीं है, हम मजलूम तबकों के लिए एक काला कानून के लिए कल हम लड़ रहे थे और वो काला कानून अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये लटकती तलवार है। शाहीन बाग का आंदोलन कोरोना के कारण बंद हुआ है, लेकिन सीए का कानून रद्द नहीं हुआ है, जब भी वो लागू करने की होगी तब हम फिर वो काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आज ऐसे ही काले कानून के खिलाफ जो तबका लड़ रहा है, आज हम उनको साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये हमारे आगे सवाल है। तो अब ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, तमाम मुल्क के मुसलमानों का है, लेकिन हमको मंच नहीं मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊं, औरंगाबाद के जलीस अहमद साहब का मेरे पास में उन्होंने भेजा लेटर, परमिशन के लिए 28 दिसंबर को डाले थे। औरंगाबाद के शाहीन बाग ऑर्गेनाइजर की टीम ने कोशिश की कि वहां पर एक कोशिश की जाए, लेकिन वहां की पुलिस उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, साथ देने को तैयार नहीं है, परमिशन डिनाई कर दिया उनको, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोले कि अगर तुम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम गुनाह दाखिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के कारण कोई सामाजिक संगठना को पुलिस परमिशन देने तैयार नहीं है। आज कम से कम वंचित ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है कि मुस्लिम समाज के आम आवाम को एक मंच दिया है कि भाई आप आओ और किसानों की ताईत में आकर हक से खड़े रहो। क्यों उतरेगा, आंदोलन क्यों करेगा? अब सरकार अगर कानून लाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ये दिखावे का है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर सकती, इतने सॉलिड प्रूफ है, जब वो रिमार्क में दे सकती है तो खारिज कर देना कानून को, बोले कि इसको डबल से किसानों को भरोसे में लेके पेश करो कानून। एक कितने बार कानून रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए कोर्टों से, कितने बार सरकारों ने कानून पीछे लिए कि नहीं लिए, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं जब इतने लाखों लोग रास्तों पर उतरे हुए हैं? तो लोगों की, जनता की कोई सम्मान करना है कि नहीं है सरकार को? सरकार मालिक नहीं है, सरकार गुलाम है और जनता मालिक है इस देश की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जन 7/12 जो लिखी है जनता के नाम पे लिखी है ना, तो जनता का आदर करें, डबल से कानून लाएं, फिर बोले कि ठीक है हम इसमें संशोधन करेंगे, जनता की सुझाव लेंगे और हम कानून डबल से लाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को भी पीछे हटने की जरूरत है, नहीं हट रही है, अदालत को उन्होंने इस्तेमाल करने का साधन बनाया, ऐसा किसानों का राय बन रही है, इसलिए किसान उसको नहीं मान रहे हैं ना। सरकार क्यों नहीं करती खारिज उसको? सरकार ने बोल देना चाहिए ठीक है ये कानून हम पीछे ले रहे हैं, किसानों को भरोसे में लेकर कोरोना जाने के बाद हम नए सिरे से कानून को पेश करेंगे। अगर सरकार के हक में है, वो सरकार को यकीन है कि वो किसानों के हक में है, तो एक बार पीछे लो, संशोधन करके लाओ ना डबल से, ये प्रोविजन है ना संसद को संविधान में, नहीं कर रहे हैं तो जब आप कोरोना में जुल्म करोगे तो कोरोना में जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे रोक सकते हो?